दोस्तों, स्वागत है आपका यूरोकन फोड्डा चैनल पर। और जो विश्व के महत्वपूर्ण सबसे संस्था या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी सीरीज़ में यह अगला वीडियो है, जिसमें हम जो है OIC के बारे में बात करेंगे। तो OIC जो है वर्तमान में जो है विश्व की काफ़ी एक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन है। तो OIC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जैसा कि आप ये ऊपर देख रहे हैं। और ये जो है आप ये जो ग्रीन कलर का और इसके बीच में जो है इस्लामिक जो लोगो देख रहे हैं, ये लोगो है OIC का। तो यह एक इस्लामिक सहयोग संगठन है। और दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी, यानी कि दो दो से ज़्यादा जो गवर्नमेंट होती है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल यह संगठन है। दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संयुक्त राष्ट्र जो संगठन है, उसके बाद जो है चार जो महाद्वीप हैं उनमें इसके 57 अलग अलग इस्लामिक कंट्रीज़, जहाँ पे जो मोस्टली जो मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं, 57 जो जिन्हें इस्लामिक कंट्रीज़ कहा जाता है, उनकी जो है इंटर गवर्नमेंटल वाली यह एक कॉपरेशन ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है। संगठन का एक लोगो भी है, यानी कि संगठन का एक सामूहिक मोटो भी है, जिसमें कहा जाता है हितों की रक्षा करना, यानी कि जो इस्लामिक इंटरेस्ट या मुस्लिमों के जो इंटरेस्ट हैं उनको इसमें सिक्योर करने की, उनकी सुरक्षा करने की बात की जाती है। और इसकी स्थापना जो है 1969 में 24 सदस्य राज्यों ने की थी, यानी कि जो इसके जो फाउंडर सदस्य थे वो टोटल 24 थे, और यह 1969 में फाउंड की गई थी। और जो OIC का जो अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इसकी संरचना है, यानी कि जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोल दिया मैंने, वो स्ट्रक्चर है इसका। तो आप पहले तो ये देख लीजिए, जैसे ये मिडल ईस्ट का ये मैप है, ये जो है ये मैप है। अब इसमें आप ये देखिए, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान है ये, और कुछ ये मीना वाला हिस्सा है। मीना पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप देखें, ताकि आपको यहाँ का बैकग्राउंड समझने में एक मदद मिलेगी। और वह एक कोर कॉन्सेप्ट है मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को समझने के लिए। तो जो OIC का जो हेडक्वार्टर है वो जेद्दा में है, और जो प्रत्येक साल जो है इस्लामिक शिखर सम्मेलन जो है इसके ऑर्गेनाइज होते हैं, जो OIC जो है आयोजित करता है, या मुस्लिमों के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रयास करता है। अंतर्राष्ट्रीय जो शांति होती है, पीस और सद्भाव जो कॉपरेशन होता है उसको बढ़ावा देने की भावना से दुनिया के विभिन्न भागों में ये काम करता है। OIC के पास जो है संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधिमंडल भी है, इसका जो है UN में भी काफ़ी महत्व है। और OIC की जो यूरोपियन यूनियन जैसी ही कुछ आधिकारिक भाषाएं भी हैं, जिसमें अरबिक है, अंग्रेजी है और फ्रेंच है, ये तीन जो हैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। और OIC के कुछ परमानेंट भी प्रभाग हैं जो कामों को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें एक है इस्लामिक विकास बैंक है, और इस्लामिक शैक्षिक और वैज्ञानिक अलग अलग गतिविधियों के छोटे छोटे डिपार्टमेंट भी हैं जो OIC के तहत काम करते हैं। अब इसके सदस्य को देख लेते हैं, ये भारत का आप मैप देख रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी है इसमें। OIC में 57 सदस्य हैं जो परमानेंट हैं, जिसमें 56 सदस्य देश भी हैं, और संयुक्त राष्ट्र और फिलिस्तीन अपवाद के तौर पर, कि फिलिस्तीन को एक प्रॉपर कंट्री के रूप में पूरा विश्व दर्जा नहीं देता है, और संयुक्त राष्ट्र तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जो सदस्य हैं ज़्यादातर मुस्लिम आबादी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि OIC के मेंबर वही कंट्रीज़ हों जिनकी प्रॉपर मुस्लिम मेजॉरिटी वाले ही देश हों, ऐसा नहीं है। मुस्लिम महत्वपूर्ण जो मुस्लिम आबाद वाले कुछ जैसे कि रूस है, थाईलैंड है, इनको भी पर्यवेक्षक राज्यों के रूप में बैठने का मौका मिलता है। भारत और इथोपिया इसके सदस्य नहीं है, ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। और OIC जो है ऑब्जर्वर स्टेट या बड़ी मुस्लिम आबादी वाले राज्यों से हो सकते हैं। वर्तमान में बोस्निया और हर्जेगोविना, मध्य अफ्रीका गणराज्य, थाईलैंड, रूस और उत्तरी साइप्रस, ये कहीं ना कहीं इसके सहयोगी सदस्यों के तौर पर उभर के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम परसेंटेज है वो बढ़ भी रहा है और काफ़ी तादाद में भी है। तो ये OIC के बारे में विद डिटेल डिस्कशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।